मजलिस बोल बुलावन दा ना नहीं। मैं खुतबा छोड़ दिता है फकत तुहाडी मनासबतन वक्त नूं वेख के। मजलिस ज्यादा वाह वाह करन दा नाम नहीं। तुसी आ जाओ तां भी मजलिस है, ना आओ तां भी मजलिस है, कोई बह जावे तां भी मजलिस है, कोई चला जावे तां भी मजलिस है। इत्थे बोलो तां भी ठीक है, ना बोलो तां भी ठीक है, बोलो इबादत है ना बोलो इबादत है। एक बात नहीं बई बाबा नासिर शाह जी जड़ा इत्थे ना बोलिया वह अगर कबर च ही ना बोल सी। कुरान प्यादा इत्थे बोल ना बोलो तेरा अपना मिजाज है, कबर च तेन आखना पौसी जुआरी आखदा है। मरहबाज मरहबाज जियो जियो आवाजे वह बाबा जी हर बंदे ते चलो तशरीफ फरमा। उत्थे भी बोलना लेकिन इबादत है जुमला समझना है। वेखो ना मैं हाथ बदी खिला नाराज नहीं होना अजीम बादशाह दे मदा खान। मजलिस फिक्रे मजलिस सलाह है, इबादत है निजात है। फिर समझना भाई दो बंदे हज ते टूरे किथे बोलो। एक को लड़ना मजलिस नहीं आती, को हथे पवन का नाम मजलिस नहीं। हाँ हाँ मैं इन मजलिस ही नहीं समझा, मैं अपने अकीदे मुताबिक नहीं बल्कि कुरान कुरान का चुप करके सुनना भी सवाब है। हाँ हाँ मैं हक भाई दो बंदे हज तो टुर पे तो रसूल फरमाया पहले मेरी गल सुनो तो बाद हज कर लवे आए। उन्हें आख्या मिर्जे वाले असं हमने आँदे पाए जिसले हज करके आ गया इन्हें तो पैगंबर दे कोल आए तो कदम से हाथ लाए उन्हें सखी तुम सड़े आई कोई हुक्म। सरकार फरमाया मैं जो बुलाया उन्हें आखिया सही असी हज पे करने आए। तवज्जो है जेडे कदरदान बैठे हो जिन्हें हाथ नहीं चो सके उन्होंने अपना मिजाज है, जेडे बह गए उन्होंने अपना मिजाज है। कदरदान पे पढ़ना सरकार फरमाया मैं जो बुलाया उन्हें आखे सही असी हाज पे पढ़ते हैं। सरकार फरमाया तवाफ कर लिया ने जी बिल्कुल, आराम कर लेने जी बिल्कुल। सरकार फरमाया मेरी जने मनी हो गई ने। और है किबला आदम खत्म बात एक जुमला आदम तो लैके हुण तक अल्लाह जितने ही मौजज़ात दिते ने कुरान दसे है तहरीर है उदी तस्वीर नहीं। तो जो माहौल खोती तुहाड़ा बड़ा बड़ी हिम्मत है मैं सलाम भेज करना भी बड़े टाइम तू मदरे शुरू है और तुहाड़ा बह जाना भी बहुत बड़ी इबादत है। आखिरी लास्ट इस वक्त यानी हजरत पैगंबर इस्लाम मक्के दी जमीन ते चंद दो टुकड़े कीते ने। कुरान पे दसदा है बाबा जी तहरीर है उदी तस्वीर कोई नहीं। हजरत साले नबी दी डाची ऊंठनी पहाड़ी चो गैबाना बहराइए कुरान पे दा है तहरीर है उदी तस्वीर कोई नहीं। हजरत दाऊद ने लोहा मोम कीता है कुरान पे दसदा है बाबा जी तहरीर है उदी तस्वीर कोई नहीं। मैं मिंबर ते हाथ रख के आख रहा हकीकत पे आना कुरान तो बाद अगर कुरान है तो अली दा कलाम है। मौला मिंबर कूफात खुतबा दे के पया देने जेड़ी जबान असाड़ी वकालत करे असाड़ी गवाही देवे असाड़े जिक्र च बोले मैं अली फरमेंदा पया ओ जबान कबर दी कल तो लैके लिवाओल हम दे सहायता को फिर न भूले सी ओदी जगह ते या मैं अली बोल सा या मेरे यारा पुत्र आ जवाब दे सी। वाह वाह वाजिबे वाजिबे हद बुलंद हो गया है। गौर है किबला मरहबा जी आथो जी गौर कर लेना ए वेखो ना तुहाडा दिल बन पवे ना बोलन ते बत इन्ना सारी जिंदगी पढ़े है शाह जी इन्ना पढ़िया मैं अपने टाइम च इन्ना सारी जिंदगी पढ़िया तो तुसी नारे ही मारे भाई वो जींदे बंदे नूं कफन पवाया ते अली मौला दे सामने या अली जनाजा पढ़ा ब बंदा ही जींदा है ते अली मौला दे सामने या अली जनाजा पढ़ा ते अली पिछे मुड़ के फरमाते ने सुलेमान दा प्यो है। मिर्जा ही है ना कमाल हो गया लेकिन मजले मैं कमाल पैदा जुमला पैदा ना आसानी पैदा करनी अली पे फरमाते ने दा प्यो है जे थके नहीं ना बैठे ते हुण सरचा ते मिजाज थोड़ा जिहा बाबा जी बुलंद करके नतीजा अर्ज करना चाहना सैयदादा जितने ही मौजज़ात होए ने
कुरान प्यादा जी लिखे होया है ओदी शकल कोई नहीं, हजरत मरियम बगैर शोहर बेटा, कुरान प्यादा तहरीर है ओदी तस्वीर कोई नहीं, हजरत साले नबी की डाची ऊंठनी पहाड़ी चू गैबाना बहर आइए, कुरान प्यादा तहरीर है ओदी तस्वीर कोई नहीं, हजरत दाऊद ने लोहा मोम कीता है तफसीर आदी तहरीर है ओदी भजन तस्वीर कोई नहीं, हजरत यूसुफ नबी बाबा जी आके बह गए ने मिसर से, कुरान प्यादा तहरीर है ओदी तस्वीर कोई नहीं, हजरत मूसा जमीन ते सोटी सटी सब बने हैं, कुरान प्यादा तहरीर है ओदी तस्वीर कोई नहीं, हजरत सुलेमान दा तख्त 5000 बुलंदी चाया है, कुरान प्यादा मिर्जे वाले ओ तहरीर है ओदी तस्वीर कोई नहीं, हजरत इसहाक ने आरा चलाया है, कुरान प्यादा तहरीर है ओदी तस्वीर कोई नहीं, हजरत नूह नबी कश्ती बनाई है, कुरान प्यादा तहरीर है ओदी तस्वीर कोई नहीं, जा मुसलमान जितने ही मौजजात होए ने कुरान प्यादा लिखे होया है ओदी शकल कोई नहीं, अल्लाह दी पूरी कायनात च एक मौजजा होया है, कहिंदा फातिमा बिनते असद अली दी अम्मा ओ काबे दी दीवार तू पुछ लै, तहरीर भी है तस्वीर भी है, मरहबा मरहबा बिस्मिल्लाह करा कदरदान तशरीफ, सारे बोलो आवाज है बाबा जी अली वलीउल्लाह, बाबा जी तहरीर भी है साडी वारी साउंड वाले भी उठी जाते हैं, तवज्जो है कि भला महसूस नहीं असीं वाजिब हस्तियाँ, गौर है तहरीर भी है, 14.5 लाख रुपया लगता है उस्ताद जाकिरीन तशरीफ फरमाए, और तुसी भी तायद कर सो भाई बंदा ए वीज़ा लाने वास्ते ना हज काबा जदा मिनहा ते उतरदा है ना इत्थे कुरबानी मुस्तहब है उत्थे वाजिब है, ओनू भी पता है जेड़ा बंदा जांदा पिया 14 लाख भरदा है उत्थे 32,000 क्यों नहीं भरदा, हमें ना उसने भी बाबा जी पता है, लेकिन तवज्जो है कि बला तशरीफ फरमाओ ना, मुसलमान काबे जाके इराम बन के तवाफ करके इतना बड़ा एहतराम करके मुसलमान मैनू समझ नहीं लगती 14 लाख भर के ओए काबे दी चार दीवारां दे ऐन सेंटर दे सामने खड़ा होके जदा तेनू काबे दी लकीर दा नहीं पता चलिया खदीर दा कित्थों पता चलना है, अरहबा इतनी बड़ी ताकत का मालिक मिट्टी तो बह के, बाबा जी भिरा दा कफन कोई नहीं, सदके सदके एक जुमले मैं अपने वक्त च छोड़ दिस, मैं लफ से कफन आखे सुबह दी मजलिस शुरू हुई लाहौर, मेरे तो पहले मुहक्के कस्ती ने जुमला पढ़िया, उन्हें अजीम फरमाया, उन्हें फरमाया बेटा जरूर पढ़िया करो, याद किया कबर च काम दे सी, उन्हें फरमाया जिस हुसैन दे पुत्र बुरकियां च पले ने बहना कितनियां भर दे, सदके सदके मरहबा सदके, बाबा जी दुआ मंगी करो अल्लाह दो बदिया नू मौत जल्दी दे, कहनो एक उस नू देवे जेड़ा गैरत दा मरीज होवे, सदके एक उस नू जल्दी देवे जिन्हों शहज़ादा जहर मिली हुई हो, मरहबा मरहबा थके नहीं ना एक जी बिस्मिल्लाह, मिजाजा ने एक जुमला आखना है इजाजत लै के बादशाहों को मिंबरे रसूल दी कसम है तारीख का जुमला है हकीकतन आखदा पे इन्हें रोंदी हुई अखी नाल बारहवें को पुछो ना दुखों की किताब मौजूद है ते मौला तेनों दुख कितने आए, मौला परदे च अज भी रत रो के बैठे दनिशिया हर दुख भूलें दो दर्द ना भूलें केड़ा केड़ा माँ दा दरबार ते धी दा, ऐ सुन लो तो मैं एक वहणी करना है जदा माँ दरबार च गईए तो सुजाणन दे काबिल काई नहीं ते जदा धी दरबार च वलीए सबका बिरा मुहम्मद हनफिया सज्जाद कोलो खड़ा पुछदा है ओ बाकिर दी हयाती ओ भी डस सकना है इन चुहारिया के, मरहबा हो गई बाबा जी मेरे हिस्से दी इबादत बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मजलिस से बड़ी छोटी आउंदी नहीं, मैं कदी ये सोचिया ही नहीं, बीबी आदी ये दो अरमान बाबा जी नहीं भूले, दो दुख नहीं भूले, केड़ा केड़ा एक यदीद दा दरबार पढ़नी तारीख है नाराज नहीं होना, एक जुमला बीबी आदि एक दरबार नहीं भूलिया, दुई भिरा दी मकतल नहीं भूली,
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ ਦੇਵਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਕਤਲ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਮੁਰਖੀਨ ਜ਼ਾਕਿਰੀਨ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਦਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਔਲਾਦ ਅਲੀ ਦਾ ਸੁਣ ਸੋ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਜੇ ਹੁਣ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਘੋੜੇ ਵਜਾਓ ਕਬੀਲਾ ਬਣੀ ਅਸਦ ਲੋਕ ਉੱਠਣ ਵੇਖਿਆ ਦਿਨ ਖਬਰਦਾਰ ਹਬੀਬ ਕੋਈ ਬੇਵਾਰਿਸ ਹੈ ਆਦਨ ਜਿੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਲੱਭਦੀ ਨੇ ਚਾਹ ਲਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਸ਼ੀ ਉੱਠੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਘੋੜੇ ਟੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੱਧ ਕਬੀਲੇ ਬਣੀ ਕਲਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬਾਸ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਅਤੇ ਉਮਲ ਬਨੀਨ ਦੇ ਪੇਕੇ ਆਦਨ ਜਿੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਲੱਭਦੀ ਨੇ ਚਾਹ ਲਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਸ਼ੀ ਉੱਠ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਵੱਧ ਘੋੜੇ ਟੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੱਧ ਕਬੀਲੇ ਬਣੀ ਤਕਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੀ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਅਤੇ ਫਰਵਾ ਦੇ ਪੇਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ੀ ਉੱਠੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਘੋੜੇ ਟੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੱਧ ਕਬੀਲੇ ਬਣੀ ਸਕੀਫ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਅਤੇ ਲਹਿਲਾ ਦੇ ਪੇਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਸ਼ੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਠੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਘੋੜੇ ਟੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੱਧ ਸਈਦ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤੇਰੇ ਜੱਦ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਭਰੀ ਮਕਤਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਬਣਿਆ ਦੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਈਆਂ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਕੋਈ ਨਾ ਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹਾ ਰਬਾਬ ਦਾ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਹਾ ਦੂਜਾ ਜ਼ਹਾਤ ਨੇ ਜੋੜਨੇ ਦੂਜਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਹੁਸੈਨ ਹਾ ਜਦਾ ਲੰਮੇ ਦੇ ਘੋੜੇ ਉੱਭੇ ਤੇ ਭੱਜਣ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਈ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀਏ ਮਾਂ ਮਰ ਵਣੀ ਹੁਸੈਨ ਏਡਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚਾਵਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸਦਕੇ ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ ਜੀ ਮਰਹਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨੇ ਮਾਤਮੀ ਬੈਠੇ ਬਾਈ ਥਾਂ ਹੀ ਆਖਾਂ ਜੀ ਅਜੀਬ ਮੁਕੱਦਰ ਹੈ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਗੀਰ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਚਾਦਰ ਲੱਥੀ ਇਸ ਬੈ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਗੀਰ ਚਾਹੀਏ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਅਲਮ ਅਬਾਸ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਬਾਵੂਜ਼ੂ ਹੋ ਕੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਦਾ ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਖਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਰਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਪਿਆ ਦਾ ਹੈ ਤਾਰੀਖ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਸਹਾਬੁਲ ਯਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਇਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਮਿਸ਼ਕ 'ਚ ਮਗਰਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ ਰੱਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ 15 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਅੰਮਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਾਰਿਸ ਕੋਈ ਹੈ ਵਾਹ 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 ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਇਸ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋ ਜੁਮਲੇ ਹੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮੀ ਆ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ 23 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਹੈ ਮੈਂ ਜੋਲੀ ਚਾਹ ਕੇ ਦੁਆ ਪੈ ਕਰੇ ਨਾ ਭਾਈ ਦੀ ਸਾਫੇ ਮਾਤਮ ਹੈ ਅਜ਼ੀਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਉਲ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਏ ਨੇ ਹਾਜੀ ਜਾਫਰ ਤਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਤਮਾਮ ਜ਼ੀ ਵਕਾਰ ਅਜ਼ੀਮ ਡਿਪਟੀਆਂ ਮਾਲਿਕ ਕੇ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਮਜਲਿਸ ਕਿਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ 23 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਨੂੰ ਹਿੱਕਾ ਦੁਆ ਤੂੰ ਮੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ਾਲਾ ਇੰਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਵੇਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮਰਹਬਾ ਜੀ ਮਰਹਬਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਰੱਸੀ ਹਿੱਕ ਆਈ ਅਤੇ ਗੱਲ ਚਵਿੱਠ ਆਈ ਰੱਸੀ ਹਿੱਕ ਅਤੇ ਗੱਲ ਚਵਿੱਠ 13 ਪੌੜੀਆਂ ਇਹਦਾ ਤਖਤ ਆਈ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਫੀਰ ਆਈ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਈ ਇਹ ਸਫੀਰ ਜਰਦੀ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਤੁਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜਾਦ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਦਾ ਕਹਿਦੀ ਸਰ ਚਾਹ ਹਾਸ਼ਮੀ ਹੈ ਸਜਾਦ ਦੀ ਰਾਤ ਵੱਧ ਪਈ ਰੋ ਕੇ ਆਦਾ ਉਦਮ ਸੁਝਾਤਾ ਹੀ ਜਦਾਂ ਕੰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਇਤਨਾ ਮੈਂ ਵਹਿਣ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮੀ ਹੋ ਇਹ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਫੀਰ ਵੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ ਆ ਖਲੋ ਤੈ ਮੁਰਖੀਨ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੁਮਲੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਯੂਸਫ ਹੁਸੈਨ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਆਲਮ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਫੀਰ ਥੱਕ ਪਿਆ ਨਾ ਇਹ ਯਦੀਦ ਕੋਲ ਆ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਅਦਾ ਉਹ ਕਮੀ ਨਾ ਕੌਣ ਮਰਾਇਆ ਹੀ ਜੇ ਬੱਚੀ ਨਾ ਉੱਠੀ ਸਦਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੌਣ ਮਰਾਇਆ ਕੌਣ ਮਰਾਇਆ ਜੀ ਕੌਣ ਮਰਾਇਆ ਜੀ ਇਹ ਆਦਾ ਹੈ ਬਾਗੀ ਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕੌਣ ਮਰਾਇਆ ਜੀ ਇਹ ਆਦਾ ਹੈ ਬਾਗੀ ਕਿਉਂ ਮਰਾਇਆ ਜੀ ਇਹ ਆਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਖੜੀ ਆਦੀ ਹੈ ਸਜਾਦ ਮੈਂ ਗਵਾਈ ਦੇਵਾਂ ਮਰਹਬਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਜਾਦ ਦੀ ਰਾਤ ਵਧੀ ਆਦਨ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲੇ ਸੇ ਤੇਰਾ ਸਰ ਜ਼ਖਮੀ ਏ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਵਰਾਂ ਵੇ ਬੱਚੀ ਆਦੀ ਏ ਸਜਾਦ ਅਜੀਨ ਬੁਲੇ ਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਰਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ
आजीज बुले जिमें दादी आक मंगया भरे होया दरबारे मुहम्मद दीदी दा खुतबा ओ जवाना ओ जदो हुसैन दीदी ने खुतबा पढ़े हरामिया दा शिमार एड साए बची कौन अद हुसैन दीदी सकीना ए अद जितना है ना मकसे मतनु दे साए बची दोबारा जुमला सुने मैं अद जितना है ना मकसे मतनु दे साए बच्ची दोबारा ना बोले अल्लाह गवाए दू शिवर टुरे जे मैं बच्ची नु आके तमाचा मारा दू पाकर बाबा जी प्यो दे अगे हाथ जा बधेन रो के अद बाबा इना दूर लाए न मैं वेधारिया इना शाम में गरीबा लोट पाईए मैं वेधारिया आज मैनु इजाजत दे Thank you.